पिछले दिनों ना बड़ी भूख लगी, और वो खाने वाली भूख नहीं, बातों की भूख, लोगों से मिलने की भूख, उनको एक बार फिर से छूने की भूख। आंटी नमस्ते। नमस्ते। और इसलिए गाड़ी उठा के मैं निकल गया सूरत, और मैं लोगों को अपने खाने के जरिए तो छूता हूँ, लेकिन टू बी टच्ड, मूव्ड एंड इंस्पायर्ड बाय पीपल इज माय फॉडर। मेरी खुराक जो है वो लोग हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, मेरी खुराक बातें हैं, मेरी खुराक आप। अगर ये नया नॉर्मल है तो हमें इस नए नॉर्मल में लोगों की जिंदगियों को छूने की और उनकी जिंदगियों को छू के खुद के लिए कुछ लेने की और उस क्रिएटिव प्रोसेस को जारी रखने की होड़ जारी रखनी हो। ये गांधी जी का कमरा है, या गांधी जी बैठते थे? और वैसे भी हम अक्सर लोगों को बिना छुए ही तो छूते हैं। ओह, यू आर मेकिंग टी फॉर मी। हमारा जो डायमंड भगवान है, अपने शब्दों से, हंसी से, आंखों से, या फिर अपने पागलपन से, उधर से सब सामान लाके इधर। नहीं तो दो गज की दूरी मीलों बदलते देर नहीं लगती, लगती है क्या? कुछ 1500 साल पहले एक गहरी तूफानी रात में एक जहाज संजान के पोर्ट पे आके लगा। उसमें बहुत सारे ज़ोरास्ट्रियन बिलीफ के लोग थे, जो कि अपना घर छोड़कर कुछ सहमे, कुछ अनश्योर, एक नई जगह, एक नए फ्यूचर को देख रहे थे। और उनके साथ था आतशीरान। आतशीरान या ईरान शाह, उनका वो सेक्रेट फायर जो पर्शिया से वो संभाल के अपने साथ लाए थे। संजन के राजा ने उनके स्वागत में उनको कटोरी भर के दूध दिया। भरी हुई कटोरी बस एक सिंबल था दिखाने का कि भाई यहाँ पर कुछ भी और लोगों के आने की जगह नहीं है, वी आर ऑलरेडी फुल। तब जो पारसी प्रीस्ट थे, उन्होंने वो कटोरी ली, उसके अंदर शक्कर डाली, और शक्कर डालकर वापस बगैर दूध छलकाए संजन के राजा राणा को दे दी। उनका कहने का मतलब ये था कि जैसे ये शक्कर दूध में घुल गई है, हम भी वैसे ही आपकी प्रजा में घुल जाएंगे और उसको मीठा और कर देंगे। राणा को ये अंदाज बहुत पसंद आया और उन्होंने पारसीज को वहां पर शरण दे दी। उसके बाद एवरीथिंग इज अ ग्लोरियस हिस्ट्री। मैं ना दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे, पहली बार वहाँ पे खाना बनाया था मैंने। मैं ऐसे याद रखता हूँ, यहाँ भी खाना बनाया हुआ। और बहुत पावरफुल जगह है ये, और पावरफुल इसलिए है क्योंकि एक ऐसी कम्युनिटी ने अपनी शुरुआत यहाँ पे करी, जिसने कि इस देश के हर हिस्से में बहुत बड़ा योगदान दिया। दिस इज़ अ कम्युनिटी दैट हैज़ लेफ्ट अ लेगेसी। और मैं 10 साल US में रहा, वो टाइम मेरे को हमेशा याद आता है कि मेरे पास तो एक बैकअप था कि यार कुछ नहीं होगा तो इंडिया चले जाएंगे। लेकिन एक फीलिंग थी कि जब आप अपना घर छोड़ के एक नई जगह घर बनाते हैं तो बहुत मेहनत लगती है। इनके पास तो वो बैकअप भी नहीं था। ये यहाँ आए घर छोड़ के एक नया घर बसाने, और पीछे कोई बैकअप नहीं था कि नहीं तो वहाँ चले जाएंगे। दे जस्ट हैड टू मेक इट, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट लाइफ इज अबाउट। इट्स अबाउट हैविंग योर बैक अगेंस्ट द वॉल एंड देन जस्ट गोइंग अहेड एंड डूइंग व्हाट यू वांट टू डू। उड़वड़ा की उन गलियों में ना एक चार्म है, और वो चार्म जो है इनएक्सप्लिकेबल है, कहते हैं समझाया नहीं जा सकता। हाँ, आपके ऊपर असर ज़रूर करता है, और आप जाते समय एक बार ये ज़रूर सोचते हो कि यार एक बार तो दोबारा आना है, आई हैव टू कम हियर अगेन। और वो चाहे फायर टेम्पल का ओरा हो, या पुरानी वो पुरानी गलियाँ, सेंचुरीज ओल्ड हाउसेज, उनका चार्म हो, या फिर बस वो गेट से
झांकते हुए अंकल आंटी उनकी बातें सुनने का चस्का हो, या जस्ट द स्मेल ऑफ द बेकरी इज बेकिंग दोज अमेजिंग ब्रेड्स, ये सब कुछ जब मिलता है ना तो फॉर्डर मिल जाता है, खुराक मिल जाती है आत्मा को, हाँ वो फिर खुराक से ही रेसिपीज बनती है ना। देखिए मैं जा तो रहा था सूरत, हाँ लेकिन वो एक डिटूर लेना ज़रूरी होता है बिकॉज रास्ते में पड़ता है संजान, जहाँ पर सबसे पहला पारसी शिप लैंड हुआ था। उसके बाद बगल में पड़ता है उड़वाड़ा, जहाँ पे सबसे पुराना फायर टेम्पल है, और वहाँ पर एक छोटा सा कैफ़े फरोहर, और एक बगल में छोटी सी धर्मशाला पड़ती है जिसको वर्ल्ड्स बेस्ट मदर एंड सन चलाते हैं। उनके साथ बैठ के बातों का जो नशा होता है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। और आंटी आपको कन्विंस कर देती हैं कि जोर जोर से दौड़ने में, भागने में कुछ नहीं रखा है, इवेंचुअली हम सब ने पहुँचना वहीं, कुछ लंबा रास्ता लेके पहुँचेंगे, कुछ छोटा रास्ता लेके पहुँचेंगे, बट वी विल ऑल गेट वेयर वी वॉन्ट टू गेट। Hi chef, how are you? Very good. Good Hi chef, how are you? Good. Good to see you. Good to see you. Me too. And मेरा जो एक system बना हुआ है, I'm so glad that the system didn't break. That if you go to Surat, you have to go and meet auntie for auntie, sure. Yes. And thanks for driving. Appreciate that. I still love how she's so conscious of the camera even now. Bolucho. You know, every time I come, there's this place, this corner that I discover. Hai na, there's such a nice corner. Yeah. Har baar main aata hu to mere ko ek naya sa corner milta hai. Arey, look at the view, look at the background. But very good to see. What? 3 years? 4 years? 4 years. 4 years. No, 2 years. 3 years. We opened 4 years. This is the fifth year. Yeah, you came in second year or third year? 4 years. Four years. After four years also. The same. You are the same. I am bolder and I am also fatter. So good to see you. I hope the business picks up. Really. हम सब एक बार खूब सारे लोगों को खाना खिलाएं. Definitely. के the only way we touch people is through our food. जब खाने वाले नहीं होते तो हमको बेचने नहीं होते. It's fact. Because that's fact. Our connection to people. हाँ. And I still talk about the Sasni Machi. Oh, everybody. You love Sasni Machi. नहीं मैं ये वाली. My Sasni Machi. एक तो ये होता है, one is when you go to your non-Parsi friends, you have to show off. So everybody says, you know, Sali Boti, Dhansak. Sasni Machi also sounds fancy. Yeah. तो थोड़ा सा हो जाता है कि यार अच्छा ये क्या होता है? You know, you get that. काफी लोग पूछते भी है ना कि Sasni Machi है क्या? And especially when you call it Sasni Machi. Sasni Machi. Because sauce में they can guess. Yeah. But when you say sauce. जब तुम बोलते सास में मच्छी तो देखेंगे सास बहू टाइप या मदर इन लॉ या मदर इन लॉ यू नो सो लॉट ऑफ टाइम्स दे गेस इट ये मदर इन लॉ फिश नो इट्स नॉट पॉसिबल आई रिमेंबर बमन हैड लाइक अ हाफ एन आवर कन्वर्सेशन ओनली ऑन सासनी मच्छी विद मी इन ज्यूरिख आधे घंटे तक उसने सिर्फ सासनी मच्छी पे बात करी अच्छा सो दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड दैट एवरी टाइम यू कम हियर यू हैव टू टॉक आंटी टू सॉर्ट ऑफ फीड यू सासनी So in the last 4 years, you didn't know whether you knew the business that well. Yeah, because I was just sending the dabbas. I was just sending tiffins. She was a tiffin wali. Yeah, I was a tiffin talk like that. But that tiffin wali is where today. Yeah, where today. Where today. So you never know, na, mom. Absolutely. It's your experience, right? My 42 years of experience. From the age of 18, I started cooking. Hmm. So now I'm 60. You can't tell me that. अभी भी इट इज स्टिल देयर इट इज द सेम पैशन एंड सेम थिंग आई गॉट फ्रॉम तुम रात को 10 बजे आके मेरे को बोला आंटी आज मेरे को सासनी मच्छी खाना है आई विल मेक इट फॉर यू टेल मी काफी रेस्टोरेंट 3 बजे बंद हो जाते हैं हम बोलते चलो यार फ्रॉम मॉर्निंग 8 o'clock टू 9 o'clock बट रात को पूरा चालू पीपल कम वी कीप फीडिंग देम वी डोंट स्टॉप वी डोंट से नो लंच डिनर 6 बजे आके भी बोलेगा लंच खाना है मैं बोला खाओ फिर मैं ही बोलूं लंच खाना है कि डिनर खाना है And they enjoy, you know, when I sit there and talk with them, they really enjoy. Mm-hmm. That's the main thing. और लगता नहीं है कि we are sitting in the restaurant and eating food. मेरे को कभी नहीं लगा. मेरे जो partner हैं US में, शिंगारा भाजी, उनकी आदत है वो हर table पे ना, जब इतने restaurant लोग चलाते हैं, उनका there's a common joke in Boston saying you go to Pepino's restaurant, you'll never have to pay for dessert.
Because he just feels insulted if he doesn't give you a complimentary dessert. अरे मीठा खाए बगैर कैसे जा रहे हो यार? How can you go? It's like he takes it a personal insult, you know. And that's the beauty of our business. Yeah, right. It's like you're eating at my place. Yeah. And that's what I see in you, Aunty. Yeah, it is. Last time we didn't come up. No. We did everything down. It was a restaurant. It was just kitchen. A restaurant. I like the echo of these old buildings. This is 140 years old building. See, another corner. You love corners. This is so nice. ये कितना 140 साल पुराना बिल्डिंग है 140 साल पुराना इट्स एन हेरिटेज यू कैन नॉट टच इट कुछ नहीं करवा सकते सो 140 साल से ये धर्मशाला है हां धर्मशाला है इट वाज नेवर अ रेजिडेंस कन्वर्टेड टू ऐसा कुछ नहीं कब आईया मेरे को ये था कि कब बुलाएंगे आप बोलेंगे बैठो इतना फैंसी सामान रखा हुआ है दीज आर बकराज made out of toddy which you can't really say hai na in gujarat these are bakras we make them over here I make it kaisa bhukkad ho na main yaar hello koi formality nahi kuch nahi jaise toot pade bas idhar aake फिर ये तो तुमको मालूम है माखनिया नान खटाई बदासा नान खटाई यू नो दीज आर मटन कटलेट वी हैव मेड मटन कटलेट फॉर यू एंड वी आर प्लानिंग टू डू समथिंग एल्स एज वेल विद यू सरप्राइज ये बड़ा ये दिस रन्स इन द फैमिली है ना दिस सीक्रेट्स एंड सरप्राइजेस बट दैट्स अ गुड थिंग ना हाय हाउ मच एंड व्हेन यू वन Oh, you're making tea for me? तो फिर? I should have made it for you. We feed. Chef is feeding me. Yeah. मेरे को इतना अच्छा-अच्छा खाना मिल रहा है, चाय तो बना सकता हूँ ना मैं? Thank you. Welcome, ma'am. So when he came back after doing all his पढ़ाई लिखाई, right? So he came back and he must have given you saying इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, let's do this. अभी भी मैं learn करती हूँ उसके पास से, yes. So what do you teach him now that you spent 5 years in the industry? He knows, I think, almost all my recipes. When he is in professional, he won't see maa hai, baap hai, koi bhi thing. He will not do that. Yeah, it's difficult to handle. तो थोड़ा मेरे को खराब लगता है, पर then फिर मैं अपने आप को मना भी लेती हूँ क्या? क्यों आप क्यों मनाते हो अपने आप को? इसको मनाया करो, इसको बोलो मनाया करो। पर आता है मनाना। आता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आता हूँ। I do go to her, but yes, I have learned a lot of things from her. And I have also learned many things from. Maybe I was joking ke dabbal, you know, but when she used to do that, I used to get up at morning 3 o'clock with her, and I used to do this cutlet patties with her. Yeah. I'm talking about when I was in school, when I was in standard 4 or 5, I used to help her to do this. And then slowly I came down, and then it just picked up one day, and bas chal raha hai. So food is given the family, no? Yeah, yes, right. I agree to it. I did everything of his on this food on this dabba. इसकी पढ़ाई लिखाई सब डब्बे पे सब डब्बे पे उसकी शादी भी एंड नाउ टुडे आफ्टर 35 इयर्स व्हाट शी यूज्ड टू डू आई एम डूइंग द सेम थिंग राइट नाउ फ्रॉम द सेम हाउस मैं ना मुझे बड़ा डिप्रेस था टू सॉर्ट ऑफ ऑनेस्टली टेल यू कि ये लॉकडाउन एंड हाउ मच विल यू कुक इन द हाउस हाउ लॉन्ग कैन यू बी स्टक इन दिस फोर वॉल्स नो बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल एंड द वेरी फ्यू पीपल यू थिंक ऑफ One is my partner in the US, Shingara Paji. I've never seen him down. Okay. Never. Always motivating. Always. And one is her. I never want this smile to go away. But kya hai? What is the secret? Every morning at 5:30, I'm there at Irancha. 7 o'clock, I come and I open my kitchen. A fire temple is known as Irancha. So every day I'm there. But I was never a Udwada person. She's changed also. I have changed a lot. After coming to Udwada. As you say, how she looks at me, I look at her. She's changed a lot once she left Mumbai and she's come here. I was never now Udwada in my Irancha. Tu aati nahi thi mere paas pehle. Abhi dekh, main tere ko 5 saal se idhar leke aaya hu. Meri seva kar. And I am doing it. And I am very happy about it. Very happy. I'm telling you now, any time you come and tell me, मेरे को बना के दो खाना मैं ना नहीं बोलूंगी आपको उर्दू में बरकत कहते हैं ना जगह की भी बरकत हाँ 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 वेरी गुड वाइब्स और इसमें एक छोटा सा
ये भी है मेरा वेल, दैट्स माय विशिंग वेल, आई एम नॉट जोकिंग. पीछे जो हाँ नियर माय किचन, आई बिलीव लाइक लॉट ऑफ पीपल हैव फेथ व्हेन पीपल कम, पीपल आस्क 49 डियास कर दो, 51 डियास जस्ट अ फेथ, इट्स अ फेथ, बट इट इज, इट इज देयर. वी हैव वन ऑफ आवर क्लाइंट, इट इज नोन एज जीना मामा कुआ. जीना मामा कुआ, हां या, ही वाज अ सेंटली पर्सन. अच्छा. एंड अगर आपकी कोई चीज खो जाती है एंड यू जस्ट रिमेंबर हिम, बिलीव मी, आपको मिल जाता है. एंड आई हैव सीन दैट, आंखों के सामने यू कैन सी योर थिंग्स, बट मैं जैसे ऐसे बोलूं कि भाई प्लीज हेल्प मी, आई विल पुट वन डिवा फॉर यू एंड अ स्मॉल पिंच ऑफ शक्कर इन योर वेल, एंड बिलीव मी यू गेट इट. एंड बिलीव मी 2 years वी हैव नथिंग कमिंग इनसाइड एंड आई एम लाइक दैट. व्हाट डू यू आस्क फॉर व्हेन यू गो आउटसाइड? नो, ही नोज एवरीथिंग व्हाट आई वांट. You have to have cutlets. I will. She has made it. So much. यार ये तो मतलब मैं क्या कर रहा था लाइफ में? खाया ही नहीं मैंने अभी तक. The egg coating is so good, na? Another thing that's very fascinating is this whole rishta of the egg and the contradicting rishta of the rooster and the egg. Egg is perfectly fine. Murgi is fine. No murga. It's amazing. I just again faith, huh? Please have something, yeah. This is matlab. No, hum hamare liye rose ka. So aapne soch liya ki wahi real hai ki Ranveer aise aise hi karna hai fast. Ab zara karta to acha lagta hai. Mera ek chota sa restaurant Daman mein. Ha. Ekdam chota restaurant bhi nahi. Four table. Four table. At a time 15 people could sit. Ha. मैं यहाँ एक दिन आई ना प्रेयर्स करने को, एंड माय वडा दस्तूर जी इज आस्किंग द हाई प्रीस्ट इज आस्किंग मी हैव यू रीड द पेपर. आई सेड टुडेज पेपर दैट इज वाज संडे. तो जामे में उन्होंने एडवर्टाइज दिया था कि धर्मशाला के लिए कोई मैनेजर चाहिए. आई सेड नहीं, मैंने नहीं पढ़ा. तो बोलते हैं चल चल तू जल्दी जल्दी दे दे एप्लीकेशन, वील सी टू. मैंने वहाँ ही खड़ा रह के एप्लीकेशन करके दे दिया. फिर आफ्टर 6 months तब तक मेरे को किसी ने बुला भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. फिर वन फाइन डे अगेन आई एम कमिंग हियर इन डिसेंबर, ऑन December 25th, दैट वाज माय बर्थडे. ही इज कॉलिंग मी एंड इज टेलिंग मी टुडे इज योर इंटरव्यू, प्लीज कम. तो बिफोर टेकिंग दिस आई स्पोक टू शहजाद. शहजाद वाज इन दुबई सेटिंग अप जान रेस्टोरेंट. सेटिंग अप अ जान रेस्टोरेंट. सो ही सेड मम्मा व्हेन यू गो देयर ना डोंट डू अप डाउन नो यस नथिंग, से यस टू एवरीथिंग. जस्ट टेक इट. We'll see later on what we have to do. And they liked my answer, and I was well dressed in a white suit and with scarf. This scarf. And I said, yes, I'll do everything for you. And they were really very happy on my answer. So 25th ko bola, 1st January se aajo. And kya kya fir daman wale uska? Kuch nahi, udhar se sab saman la ke idhar pahuncha le. I think the moral of the story hai na, jo aaj ki conversation ka mujhe lag raha hai, wo hai himmat. थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा धक्का मिलता है, थोड़ा फेथ हो तो गाड़ी चल पड़ती है ना. राइट. सो एवरी कल्चर हैज द नीड फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दैट कल्चर फॉरवर्ड. अभी कल्चर में आर्ट भी है, पहनावा भी है, खाना भी है, एंड पारसी कल्चर्स बीन एबल टू होल्ड इट्स स्टीड. तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती होगी कि भाई पारसी खाना जो है, जो मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ, वो उस कल्चर का एक्सटेंशन है, जो एक जिम्मेदारी है मेरी टू पास फॉरवर्ड. और उसके बीच में फिर कहीं ना कहीं लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ती होगी कि इतना ओके है, इतना ओके नहीं है. बिकॉज कल्चरल सैंक्टिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी, कि यू नो आई एम ऑल्सो एन एम्बेसडर ऑफ माई कल्चर. सो हु ड्रॉज दैट लाइन बेटर, डू यू और डज ही? सर्टेन थिंग्स वी माइट नॉट अग्री टू, बट समटाइम्स वी हैव टू. आज अकुरी ऐसी ही बननी है, फॉर एग्जाम्पल अकुरी में यही डालना है, राइट? तो उसमें थोड़ा ट्विस्ट करने जाएंगे हम, फॉर एग्जाम्पल और कुछ एलिमेंट अंदर डालने गए, देन इट्स नॉट ऑथेंटिक, राइट? सो जब खिचड़ी सॉस, जब हम सॉस की भी बात करते हैं आपके, तो खट्टा मीठा होना चाहिए, और पॉम्फ्रेट का सबसे बेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू मी, राइट? सो उसमें अभी बोलेंगे नहीं थोड़ा तीखा कर दो, थोड़ा मीठा कर दो, तो वो ऑथेंटिसिटी नहीं रहती है खाने की. बाकी खाना बनाना इज ऑल राइट,
लेकिन अपना खाना वैसा ही बनना चाहिए जैसा कि बनना चाहिए। yes, बर्गर वर्गर बनाओ खाओ, लेकिन अपना खाना जो बनाओ तो उसको वही होना ही चाहिए। People appreciate it when you draw that line. They appreciate, but the non-Parsis they don't. But Parsis they appreciate. That is the problem. They want spicy food, so they have to make that palate for that. Acceptance was never a need for the community, na? No. No. Okay, no. We don't have to try extra to fit in. I am myself. Yes. I am what I am. Basically, I am what I am. I am what I am. Yes. Take it or leave it. और दूसरा वो आप जो बोल रहे हो ना, कुछ जगह का भी वाइब्स और पावर होता है, जगह बुलाता है आपको। समटाइम्स यू ड्रॉप अ पेनी सेइंग आई एम गोना कम हियर अगेन, आई डोंट नो व्हेन बट आई नो आई एम गोना कम हियर बैक। अरे एक छोटी सी बात, शहजाद 2 साल का था और हम लोग पैराडाइज होटल में आया था, सनसेट हो रहा था और शहजाद को पैसे बिठा के आई वाज जस्ट टॉकिंग टू द सन कि आई विश मेरा भी एक होटल होता था। तो आफ्टर सो मेनी इयर्स इट केम टुडे, इट केम एट द एज ऑफ 54, पर वो सुना मेरा। कुदरत के रंग है जी, हमारे भगवान जो ऐसे है ना वो है। I believe in him. So beautiful. आज जब मैं यहाँ बैठ के सोचता हूँ ना कि आंटी से मिलके क्या मिलता है, हर बार क्यों मैं वो हल्का सा लेफ्ट टर्न ले लेता हूँ अंदर की तरफ सूरत जाते टाइम और आंटी के साथ बैठता हूँ, क्योंकि आंटी से जब बात करो ना तो एक पेशेंस की वैल्यू मिलती है, तो भाई सब्र की जो है वो बहुत बड़ी वैल्यू है। और वो जो वो है ना वो देता है, चाहे 14 साल की उम्र में दे या 54 साल की उम्र में दे, मन में साध लिया तो मिल जाता है। और जब मिलता है तो जितने सालों की कमी होती है ना वो सब पूरी करके मिलता है। एक वो ब्लाइंड फेथ है ना कि बस आई एम नेवर गोना गो एम्प्टी हैंडेड, वो दिखता है आंटी में ना, और वो मुस्कुराहट के साथ। एंड फॉर मी इट इज़ नॉट जस्ट हर, इट इज़ द इंटायर कम्युनिटी हु विल ऑलवेज ग्रीट यू विद अ स्माइल एंड सम अमेजिंग फूड। और जाते जाते घर ले जाने के लिए भी खाना ज़रूर देंगे। ब्यूटीफुल।